आम रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर भावता के दर्जनों लोगों ने कनक दंडवत के साथ उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बांदीकुई भावता, आपने मंदिर में कनक दंडवत लगाते हुए श्रद्धालुओं को देखा होगा, लेकिन ये कनक दंडवत आम रास्ते से अतिक्रमण हटवाने के लिए उपखंड कार्यालय पर लगाई जा रही है। न्याय की मांग को लेकर उपखंड क्षेत्र के ग्राम भावता के लोग आज उप जिला कार्यालय पहुँचे, जहाँ आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर नाराजगी जताते हुए उपखंड अधिकारी पिंकी मीणा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से भावता के लोगों ने बताया कि पिछले 3-4 माह से आम रास्ता बंद है, जिसके लिए 29 जून को उपखंड कार्यालय में ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया, जिसके चलते आज फिर से आम रास्ते से अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय में कनक दंडवत देते हुए ग्रामीण महिलाएं पुरुष आए। ग्रामीण महिला शांति देवी का कहना था कि दबंग लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। अजीत मीणा का कहना है कि राजनीति या प्रशासनिक सहयोग के कारण रास्ता बंद कर रखा है। छाजू योगी ने बताया कि ढाणी लगभग 40 वर्ष से बसी हुई है, जिनका रास्ता कुछ लोगों ने 3-4 माह से बंद कर दिया, जिसके चलते ढाणी का आवागमन बंद हो गया। उप जिला उपखंड अधिकारी पिंकी मीणा ने ग्रामीणों को 3 दिन में रास्ता खुलाने का आश्वासन दिया। शराबबंदी जिला अध्यक्ष विनेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में पहुँचे थे ये सभी लोग। शांति देवी, बिमला देवी, कमली शांति, लक्ष्मण, कमला रोशन, बिमला हीरालाल, अमचूर राजेश, माता दीन राधेश्याम, जगदीश, राकेश चौथमलेम, दर्जनों लोग साथ में रहे। बाइट सिग्नल है, हमने एटीएम शांति दंडो देते अरदास किए। हमारे 3 डाणियों में रास्ता अवरुद्ध हो रहा है, 40 साल से 3 डाणी फंसी हुई है, हमारी कोई सुनाई नहीं होती है। हमारे बाल बच्चे वहीं रहते हैं घर पर, शिक्षा नहीं मिलती है, सामान अवरुद्ध हो रहा है बिल्कुल भी। 40 साल से डाणी फंसी हुई है, डाणी घोराड़ा, डाणी जज्जर, डाणी मुरलिया बड़ाई, इन डाणियों में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। तीनों डाणियों में कम से कम 3-4 तो लोग बसते हैं वहाँ पर। क्या नाम है? मामला रास्ते का है, 40 साल से परेशान हो रहे हैं, और अगर ये सुनवाई अब नहीं हुई तो जन आंदोलन होगा और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। 3 दिन की अवधि दी हमको, 3 दिन में आपको रास्ता मिल जाएगा। अगर रास्ता नहीं मिला तो इसके लिए जन आंदोलन होगा, इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। बड़ाई को आए पड़ती है तो उनमें कहीं तो कार्रवाई करो, गाँव का नहीं सुनते। कोई सरपंच सुने, कोई प्रधान सुने, जब हमने आया तब दुखिया हुए, हर दुखिया नहीं आया था। क्या भैया बोला 3 दिन में रास्ता कर देंगे आपके तरफ।